जब गर्मी होती है तो गर्मियों के अपने मतलब आप देखें उसके कपड़ों, उन गर्मियों के कपड़े पहनना, उन गर्मियों में जो कलर्स अच्छे लगते हैं उन कलर्स को लिप्स पे लगाना या अपने क्या कहते हैं नेल्स के ऊपर लगाना, उसके बाद गर्मियों से रिलेटेड कपड़ों के जो कलर होते हैं वो पहनना, शूज़ जो हैं वो हम डिफरेंट तरह के ओपन शूज़ जो हैं वो पहन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें जो हैं वो हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा होता है जिसके अंदर हमारे बाल भी आते हैं और हमारी स्किन भी आती है। तो साथ साथ बताएं कि आपकी स्किन में गर्मियों में इस मौसम में जो कि बरसात का और गर्मियों का मौसम है कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो आते हैं और आप उनको कैसे टैकल करते हैं या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो एक बहुत ही कॉमन इशू है वो होता है कि जी ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, वाइट हेड्स बन जाते हैं, स्पेशली वाइट हेड्स तो बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रूटीन में क्लिंजिंग नहीं होती, तो सर्दियों में तो किसी ना किसी तरह गुजारा हो जाता है, लेकिन जब इस तरह का मौसम आता है जिसमें इतनी ह्यूमिड। और उसके साथ साथ जो एक बहुत ही कॉमन इशू है वो होता है कि जी ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, वाइट हेड्स बन जाते हैं, स्पेशली वाइट हेड्स तो बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रूटीन में क्लिंजिंग नहीं होती, तो सर्दियों में तो किसी ना किसी तरह गुजारा हो जाता है, लेकिन जब इस तरह का मौसम आता है जिसमें इतनी ह्यूमिडिटी होती है और साथ में गर्मी होती है और पसीना यानी कि स्वेटिंग हो रही होती है, तो उसमें ये हो जाता है कि अगर आप पोर्स की क्लिंजिंग नहीं करते हैं अपनी रूटीन में तो इशू यही आता है कि आपके पोर्स क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं और आपको वाइट हेड्स नज़र आएंगे, ब्लैक हेड्स नज़र आएंगे। वाइट हेड्स तो स्पेशली नज़र आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी स्किन के ऊपर कोई पोर्स क्लॉग करने वाली चीज़ लगाएं तो ही इस मौसम में पोर्स क्लॉग होंगे। आप अपना जो नॉर्मल रेगुलर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या सनब्लॉक यूज़ करते हैं या हल्का फुल्का कोई मेकअप जैसे बीबी क्रीम या कुछ होता है वो यूज़ करते हैं, इवन वो ये सब चीज़ें भी आपकी स्किन में पोर्स के अंदर तक चली जाती हैं और अगर आप पोर्स को क्लिंस नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि वाइट हेड्स ज़रूर बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी क्लिंजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सब ने बताना है, जो जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, कि क्या आपकी रूटीन में क्लिंजिंग शामिल है, और अगर शामिल नहीं है तो प्लीज़ उसे शामिल कर लें क्योंकि इससे स्किन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है वाइटनिंग पील। सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि इसका नाम वाइटनिंग पील तो है लेकिन ये स्किन को पील ऑफ नहीं करवाती है, तो फिर इसको वाइटनिंग पील क्यों कह रहे हैं? इसको इसलिए वाइटनिंग पील कहते हैं बिकॉज ये विद इन योर स्किन डीप इनसाइड यानी कि आपकी स्किन के अंदर जाती है, अंदर एब्जॉर्ब होती है और वहाँ से आपका अनइवन टोन बेहतर करती है या जो आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन या टोन डल हुई भी होती है उसको ब्राइटन अप करती है। ये कुछ भी सुपरफिशियल लेयर में नहीं कर रही होती है, इसलिए इसको वाइटनिंग पील कहते हैं। इसको वाइटनिंग फेशियल या कोई ऐसी चीज़ नहीं कहते जो कि ऊपर से आप लगाएं और ऊपर से अच्छा हो जाए और उसके बाद वो सस्टेन नहीं करे। तो वाइटनिंग पील जो होती है उसका जो मकसद है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इसका आउटकम क्या होता है? सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि वाइटनिंग पील बिल्कुल भी आपकी स्किन को पील ऑफ नहीं करती है, लेकिन क्योंकि ये डीपर लेयर्स में जाके आपके टोन को जो है वो इवन करती है, ब्राइटन अप करती है, इस वजह से इसको वाइटनिंग पील कहा जाता है। वाइटनिंग पील जो है वो आपकी स्किन की जो डेड लेयर है उसको डेफिनेटली क्लियर करती है। उसके साथ साथ आपकी स्किन के अंदर अगर कोई टैनिंग हुई हुई है, आपकी स्किन में कोई अनइवन टोन है या आपकी स्किन जो है वो आपको डल लग रही है, या समटाइम्स ये हो जाता है कि भाई अंदर से तो कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा होता है और बाहर से जो कि एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ख़राब हो जाता है गर्मियों में और इतनी टैनिंग हो जाती है कि वो बिल्कुल डिफरेंट लगना शुरू हो जाता है, तो ऐसी जगह के ऊपर या ऐसी स्किन के ऊपर भी वाइटनिंग पील की जाती है ताकि टोन जो है वो नॉर्मल हो जाए, इवन हो जाए और ब्राइटन अप हो जाए। और स्किन तो आपको डेफिनेटली हेल्दी लगेगी जब आपके डेड सेल्स या आपकी जो डेड लेयर है वो हट जाएगी, तो स्किन आपको डेफिनेटली पहले से सॉफ्ट लगेगी, पहले से इवन लगेगी और उसके साथ साथ
जो भी आपकी घर में नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं, चाहे वो आपका कोई सिरम है, चाहे वो आपकी कोई नाइट क्रीम है, कोई एंटी एजिंग, आप कोई भी चीज यूज करते हैं रूटीन में, वो उन सब चीजों की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। और जब वो एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। वरना बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है कि पेशेंट कहता है, मैं वो जब बताना शुरू करते हैं, जब उनसे पूछें कि आप घर में आप अपनी नॉर्मल रूटीन में क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो वो कोई 7-8 प्रोडक्ट्स बता रहे होते हैं। और जब आप स्किन को देखेंगे या खुद भी, वो इसीलिए हमारे पास आते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी लगाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी स्किन पे कोई असर नहीं होता और मेरी स्किन इतनी ही डल रहती है। तो उसके यही रीजंस होते हैं। वाइटनिंग पील इस लिहाज से बहुत अच्छी होती है कि इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। जब आप इसको करवाएंगे तो उसके बाद कोई डाउन टाइम नहीं होता, आप एकदम से जो है आपकी स्किन साफ सुथरी रेडियंट पहले से फ्रेश आपको लगेगी। और उसके साथ साथ क्योंकि इसका डाउन टाइम नहीं है, तो अगर आपको कहीं जाना है, कोई ओकेजन है या आपने किसी फंक्शन में जाना है और आप चाहते हैं कि भाई कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपके पास टाइम नहीं था, या आप लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे थे और अब आपको कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि स्किन इतनी डल है कि इसके ऊपर तो आपने कुछ लगा भी लिया तो ये फ्रेश या अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके लिए बहुत अच्छी रहती है क्योंकि इसका कोई डाउन टाइम नहीं है।